चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी आज बाहर जमाने क्या खेल मेरे साथ खेला है के आप ही आकर क्या कहे मेरे करीब से, ये दुनिया दामन बचाकर चलती है आज इस गरीब से। आज कहती है कि मैं तेरी रानी हूँ, उस समय को याद कर जब 30 रोज मुझे अन्न का ग्रास ग्रहण किए हो गए थे, शरीर में मेरे सामर्थ्य नहीं थी घड़े को उठाने की, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे घड़े को हाथ लगा दे मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा, तो तूने कहा था कि मैं मिश्रानी हूँ मिश्रानी, और आज यही समय है, आज मेरी रानी बनकर मेरे सामने खड़ी। लेकिन पिया जी आज बदला लेने का समय नहीं है, आज दुखों का पहाड़ हम पर टूटा है। अगर मैंने उस दिन आपके घड़े को उठवाने से मना किया था तो उसकी वजह आप जानते हैं कि आपने तो एक वचन के कारण पूरा राजपाट त्याग दिया, अपनी पत्नी को अपने पुत्र को खुद के साथ काशी में बेच दिया। अगर मैं आपके घड़े को जरा सा भी हाथ लगा देती तो ये सारा जमाना कहता कि आज तारा ने पति के मुंह में आकर अपना धर्म घटा दिया। आज वही सारा जमाना मेरे भी सामने है और मुझे भी इस जमाने को जवाब देना है। अगर मैंने यहाँ बिना कर लिए दाह संस्कार करवाए तो ये जमाना मुझसे भी पूछ सकता है कि तारा का दाह संस्कार बिना कर लिए हो कैसे गया। नहीं पिया जी, मुझ पर रहम खाइए, कम से कम इतने बड़े निर्मोही मत बनिए। आदरणीय हमारे सरपंच साहब, 100 रुपए का सम्मान अब और कई 100 रुपए पहले, बार बार धन्यवाद करते हैं। कहिए अपनी बात। जोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, ओ रानी तेरी मैं, घाट पे समझ गया जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं, जोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं, घाट पे समझ गया रानी सत्य सत्य हो, यू कहती ना खड़ा उठाओ इस रानी सत्य सत्य हो। आज भक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हो। अरे नारा जान रहा हरिचंद, तेरी नजर में रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानी तेरी मैं, हानी तेरी मैं, ओ घाट पे
लेकिन मुझ बदकिस्मत की किस्मत तो देखिए पिया जी, मेरे घर में जीने का एकमात्र सहारा मेरा लाल, मेरा रोहतास कवर। ईश्वर ने आज उसको भी मुझसे दूर कर दिया। इस विपत्ति की घड़ी में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हाँ। लेकिन अफसोस की बात, आज आपने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अरे मैं नहीं जानता कौन है तू और किसके ऊपर विपता ना पड़ती हो, ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है। लेकिन विपता के समय में मुख मोड़ लेना या दया की भीख मांग लेना, ये कहीं की इंसानियत नहीं। कहिए अपनी बात, सुनिए मेरी बात। जानना चाहता हूँ कि तेरे पास मेरे कर के रूप में कुछ है देने के लिए? नहीं पिया जी। हाँ, वैसे तो मेरे पास में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मरघट में कर देने के मना कर दोगे तो आप दाह संस्कार नहीं करने देंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मेरे पास में एक योजना है। योजना है कि मेरे पास में ना तो पैसे हैं ना कफन है। हाँ, तो इस तरीके से तो मैं आपका कर नहीं दे पाऊंगी। हाँ, लेकिन एक ऐसी युक्ति है। हाँ, कि शायद मैं आपका कर भी दे पाऊं और आप मुझे यहाँ पर से धक्के भी ना मारे। अच्छा जी, वो जरूर बताइए। सुनिए मेरी बात।
जानू सेवा,